उत्तर प्रदेश के मथुरा के विश्राम घाट पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जिसे रुद्र चर्चाका के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जितना ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें एक मूर्ति स्थापित है जिसे लाल सिंदूर से चोला चढ़ाया जाता है। यह मंदिर करीब 550 वर्ष पुराना है। पुजारी जगदीश्वर चतुर्वेदी बताते हैं कि यह मंदिर राजस्थान के राजा भारमल ने बनवाया था। मंदिर के चारों ओर शुभ कलाकृतियां बनी हुई हैं और यह मंदिर यमुना के किनारे विश्राम घाट पर स्थित है। यह मंदिर 55 फीट ऊंचा है और उतना ही हिस्सा जमीन में बना हुआ है। जब इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो राजा भारमल ने इसे पुजारी के पिताजी को दान में दे दिया और राज्य से इसकी देखरेख के लिए 10 रुपए प्रति साल का कर निर्धारण किया। सती मंदिर के नाम से जाना जाता है रुद्र चर्चिका देवी के मंदिर के तौर पर, और सती का मतलब ये नहीं है कि ये किसी मृतक स्त्री की याद में बनाया गया स्मारक है, ऐसा नहीं है। ये ग्राउस कलेक्टर के पीरियड में ये धारणा आई थी कि ये राजा भारमल की पत्नी यहाँ सती हुई थी, ये ग्राउस कलेक्टर ने अपने तरीके से लिखा था। लेकिन जो बाद में जो रिसर्च इस पर हुई और जो चीज सामने आई वो ये कि राजा भारमल की कोई रानी यहाँ सती नहीं हुई थी। ये पवित्र देवी का मंदिर है, इसके चारों तरफ जो प्रतीक चिन्ह है वे सारे के सारे प्रतीक चिन्ह वे हैं जो कि शुभ कार्यों में और मंदिरों में दिखाए जाते हैं। इससे एक चीज का अंदाजा लगता है कि ये पुराना देवी का मंदिर रहा है जिसका के नाम रुद्र चर्चिका देवी था, जिसका के पुराने 2000-2500 साल के पुराने इतिहास में स्मृतियों में पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। ब्रिटिश काल के कलेक्टर एफ एस ग्राउस ने अपनी धारणा में लिखा था कि यह मंदिर राजा भारमल की पत्नी की याद में बनाया गया था और इसे सती मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र देवी का मंदिर है और मथुरा की सबसे पुरानी ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होने के नाते इसका एक प्राइवेट मैनेजमेंट है। मेरे फादर इसके मालिक रहे हैं और हम वंश परंपरा से, हम ही नहीं, हमारे पिछली करीब 8-9 पीढ़ी पहले से इसका स्वामित्व हमारे पास है, क्योंकि ये जब बना था तो वो हमारे यजमान थे राजा भारमल, जिन्होंने के इसे डोनेट किया था और 10 रुपया साल, आज से करीब 550 साल पहले 10 रुपया साल के खर्चे पर ये मंदिर हमें दिया गया कि ये राज्य से ये खर्चा मिलता रहेगा और आप इसकी सेवा पूजा करें और आप हमारे गुरु जी हैं। तो तब से ये वंश परंपरागत तौर पर और हमारी सेवा पूजा में है ये, या नीचे इसके एक देवी का मंदिर भी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें एक लाल पत्थर की मूर्ति इनबिल्ट है जिसे लाल सिंदूर से चोला चढ़ाया जाता है। यह मंदिर मथुरा की सबसे पुरानी ऐतिहासिक इमारतों में से एक है जिसे 550 वर्ष पहले 10 रुपए साल के चर्चे पर दिया गया था। देवी के मंदिर का एक अपना एक स्वभाव और चरित्र भी है, बहुत ही लाल पत्थर की मूर्ति है जो इनबिल्ट है इसमें, इस इमारत के नीचे इनबिल्ट है और उस पर सिंदूर का चोला चढ़ता है, और ये सिंदूर का जो चोला है ये उन देवियों पर चढ़ता है जो कि ट्रेडिशनली लोक देवियां हैं। और यहाँ जो हमारे यहाँ की जो अंतग्रही परिक्रमा है उसमें ये पहले मंदिरों में से एक है, और मथुरा की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल इमारत है ये। सबसे अच्छी बात यह है कि मथुरा में जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे उनमें ज्यादातर मंदिर पिछले 350-400 साल में बने हुए हैं, लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट है ये पहला मॉन्यूमेंट है, और दूसरा मॉन्यूमेंट है वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर जो कि पुराना हिस्टोरिकल मंदिर। ये दो पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं जो कि यहाँ मंदिर के तौर पर उपलब्ध है। असल बात यह है कि एक इमारत बनाई गई। अच्छा, ये एक और चीज है कि जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे अंडरग्राउंड है, क्योंकि ये जमीन का जो लेवल है ना, यमुना का जो खादर था ये, वो खादर के लेवल से है तो ये 7 मंजिल का था, तो ये जितना ऊपर दिखाई दे रहा उतना ही ये अंडरग्राउंड है। ये मंदिर के चारों ओर बनी शुभ कलाकृतियां और इसके ऐतिहासिक महत्व ने इसे एक विशेष धार्मिक स्थल बना दिया है। राजा भारमल द्वारा बनवाया गया यह मंदिर मथुरा की धरोहर है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसमें खाली एक जीना है जो ऊपर जा रहा है रास्ता, वो एक जीना है और जीने से ऊपर आप जा सकते हैं, खाली खाली जीना है, वही जीना है, अंडरग्राउंड भी है ये, लेकिन इसमें कोई खजाना नहीं है। सिर्फ ये है कि ये हिस्टोरिकली महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से मूल्यवान है ये। रुद्र चर्चा का मंदिर मथुरा के विश्राम घाट पर स्थित है और इसकी पवित्रता और इतिहास को संजोए हुए है।
यह मंदिर हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है, जिसे हमें संजो कर रखना चाहिए। लोकल 18 के लिए मथुरा से निर्मल कुमार राजपूत की रिपोर्ट।